जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र सागर अपने यूट्यूब चैनल सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत करता है। आज हम आप सभी को बताने वाले हैं सेट थ्योरी। सेट थ्योरी में अभी तक आप लोगों को लेक्चर 4 तक बता दिए हैं, लिखेंगे सेट थ्योरी। चैप्टर फर्स्ट लेक्चर 5 सेक्शन 1। सेक्शन 1 में है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सेट थ्योरी। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सेट थ्योरी लिखेंगे। अभी तक आप लोगों को थ्योरम 3 तक बता चुके हैं, आज बताएंगे थ्योरम 4। थ्योरम 4 में आप सभी को बताएंगे डिफाइन पावर ऑफ ए सेट। लिखेंगे पहला डिफाइन पावर ऑफ ए सेट। डिफाइन पावर ऑफ ए सेट लिखेंगे आंसर पावर से। हम लोग पढ़े होंगे पहले भी और आज भी बताएंगे कि सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ गिवन सेट इज कॉल्ड पावर सेट। मान लेते हैं कोई सेट दिया हुआ है, उस सेट का जितना भी पॉसिबल सबसेट होता है उसके सेट को हम लोग क्या कहते हैं, पावर सेट कहते हैं। तो लिखेंगे द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ गिवन सेट ए इज कॉल्ड पावर सेट एंड इज डिनोटेड बाई पी ऑफ ए। मान लेते हैं कि ए आपका गिवन सेट दिया हुआ है और ए सेट का जो भी सबसेट होगा उसके सेट को हम लोग क्या कहते हैं, पावर सेट कहते हैं। पावर सेट को हम लोग डिनोट करते हैं पी ऑफ ए से। लिखेंगे 10 पी ऑफ ए, इसको कहेंगे पावर सेट ऑफ गिवन सेट कैपिटल ए। ए भी एक प्रकार का सेट होता है, इसमें वैसा सेट होगा, उसमें एलिमेंट सेट के रूप में होगा, उसमें वैसा सेट इसका एलिमेंट सेट होगा जो ए का सबसेट होगा। लिखेंगे सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ गिवन सेट ए। मान लेते हैं यह कैपिटल एक्स पावर सेट ऑफ ए का सेट है, तो यह कैपिटल एक्स जो है ए का सबसेट होगा। क्लियरली कहीं भी लिखा रहेगा कैपिटल एक्स बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए, तो यहां पे हम लोग लिखेंगे कि कैपिटल एक्स जो होगा ए का सबसेट होगा। फिर से एक बार सुनिएगा कि कैपिटल एक्स अगर पावर सेट ऑफ ए का सेट होगा तो कैपिटल एक्स जो होगा ए का सबसेट होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। लिखेंगे रिमेम्बरिंग। उसके बाद जो है इस पे अब एग्जाम्पल एक आध करते हैं। लिखेंगे एग्जाम्पल लेट ए सेट में दो एलिमेंट लेते हैं, एक 1 और एक 2। लिखेंगे देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट कैपिटल ए इज एन बराबर 2। ए सेट में टोटल एलिमेंट जो है एन बराबर 2 है, तो
इसमें सबसे का संख्या हम लोग जानते हैं 2 के पावर n होगा, तो लिखेंगे therefore टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ गिवन सेट a बराबर 2 के पावर n, तो n के अपर 2 मतलब 4 जो सबसेट होगा, 4 सबसेट होगा a सेट का। अगर a सेट में एलिमेंट का संख्या 2 होगा तो a का टोटल सबसेट का संख्या 4 होगा, जो a का सबसेट होगा। लिखेंगे therefore all subset of given set capital A बराबर A set में जो भी subset होगा वो subset होगा, हम लोग जानते हैं कि null set जो होता है प्रत्येक set का subset होता है, इसलिए phi null set को हम लोग phi से represent करते हैं, phi भी A का subset होगा, एक-एक element का set भी A का subset होगा, दो एलिमेंट का सेट भी इसका सबसेट होगा, और हम लोग ये भी जानते हैं कि प्रत्येक सेट अपने आप का सबसेट होगा, 1, 2 भी इसका क्या होगा सबसेट होगा A का। तो लिखेंगे अब नाउ वी हैव पावर सेट ऑफ A, इसको हम लोग क्या कहेंगे पावर सेट ऑफ गिवन सेट ए, इसको हम लोग पढ़ेंगे सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ गिवन सेट कैपिटल ए। तो इसमें जो भी पॉसिबल सबसेट है ए का, उस ए सेट के जो भी पॉसिबल सबसेट है उस सभी के सेट को हम लोग ए सेट का क्या कहेंगे पावर सेट। जैसे 5 1 एलिमेंट का सेट, 2 एलिमेंट का सेट, 1 2 एलिमेंट का सेट। अब देखिएगा ध्यान से सुनना है, जैसे यह 1 सेट पावर सेट ऑफ ए का सेट है तो यह 1 एलिमेंट का सेट जो होगा ए का सबसेट है, इस ए का क्या है सबसेट है। तो यह रिजल्ट बताएं कि कैपिटल एक्स जो है सेट है पावर सेट ऑफ ए का, तो कैपिटल एक्स किसका सबसेट होगा ए का। उसी प्रकार यह 2 एलिमेंट का सेट पावर सेट ऑफ ए का सेट है, तो 2 एलिमेंट का सेट जो है कैपिटल ए का क्या होगा सबसेट होगा। तो यहीं पे रिजल्ट जो है कि अगर पावर सेट ऑफ ए में जो भी सेट होगा वह सभी ए का सबसेट होगा। तो लिखेंगे एग्जांपल सेकंड, लेट ए बराबर ए बी सी, तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट कैपिटल ए इज एन बराबर 3, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ गिवन सेट ए बराबर 2 के पावर n 2 के पावर 3 बराबर a, मतलब a सेट में सब टोटल सबसेट का संख्या कितना होगा 8 होगा। उसके बाद लिखेंगे देयरफॉर ऑल सबसेट ऑफ गिवन सेट a, ऑल सबसेट ऑफ गिवन सेट a सेट में जितना भी सबसेट होगा वो 8 होगा। 8 कौन कौन होगा, तो अभी जस्ट बताया कि नल सेट 5 प्रत्येक सेट का सबसेट होता है, तो एक 5 भी a का सबसेट होगा, एक s एलिमेंट का सेट भी इसका सबसेट होगा, b एलिमेंट का सेट भी इसका सबसेट होगा, c एलिमेंट का सेट भी इसका सबसेट होगा, दो दो एलिमेंट का सेट भी इसका, ab का सेट, ac का सेट, फिर BC का सेट, और 1 2 3 4 5 6 7, और प्रत्येक सेट अपने आप का क्या होता है सबसेट होता है, इसलिए यह सेट भी इसका क्या होगा सबसेट होगा। तो अब हम बताएंगे आपको कि पावर सेट, तो लिखेंगे देयरफॉर पावर सेट ऑफ ए जो है क्या होगा,
जो भी ए का जो भी पॉसिबल सबसेट है उसको एक सेट के अंदर डाल देते हैं। तो कौन कौन है, आई है, ए एलिमेंट का सेट है, बी एलिमेंट का सेट है, सी एलिमेंट का सेट है, ए बी एलिमेंट का सेट है, ए सी एलिमेंट का सेट है, उसके बाद बी सी एलिमेंट का सेट है, और प्रत्येक सेट अपने आप का क्या है, सेट है। ये हो गया। तो यहाँ पे हमने पावर सेट ऑफ किसी भी सेट के पावर सेट को किस प्रकार से डिफाइन करते हैं ये डिफाइन किया है। उसके बाद अब थ्योरम चार का दूसरा थ्योरम प्रूव करते हैं, इसको हम मिटाएंगे। अब आइए थ्योरम चार का दूसरा बताएंगे, लिखेंगे इफ कैपिटल ए एंड कैपिटल बी आर एनी टू सेट्स देन एनी टू सेट्स सच दैट ए सबसेट बी देन प्रूव दैट पावर सेट ऑफ ए सबसेट पावर सेट ऑफ बी। लिखेंगे प्रूव, ध्यान रखेंगे ए और बी जो है दो सेट है, ए और बी क्या है दो सेट है, और यह दो सेट इस प्रकार है कि ए का सारा एलिमेंट किसके अंदर है, ए सेट का प्रत्येक एलिमेंट बी के अंदर है, डेट इज ए जो है बी का सबसेट है। तो हमें प्रूव करना है यहां पे पावर सेट ऑफ ए पावर सेट ऑफ बी का सबसेट होगा। तो आइए प्रूव करते हैं, लिखेंगे जो दिया हुआ है सबसे पहले हम लिख लेंगे, गिवेन दैट ए सबसेट बी, मतलब डेट इज फॉर एवरी एक्स ए जो ए में जो भी एलिमेंट होगा हम सभी को एक्स मानेंगे, एक सेट है ए सबसेट है बी का, इसका मतलब हुआ कि ए सेट में जो भी एलिमेंट है इसको कहते हैं फॉर ऑल एक्स को क्या मान लिए ए में, मतलब ए सेट का जो भी एलिमेंट है सभी को एक्स मान लिए, और ए सबसेट बी का मतलब होता है कि जो ए में होगा वही सभी एक्स किस में होगा बी में होगा, तो इसको हम वन मान लेते हैं। हमें प्रूव करना है वी हैव टू शो दैट पावर सेट ऑफ ए सबसेट पावर सेट ऑफ बी। तो लिखेंगे नाउ, अब पावर सेट ऑफ ए का भी जस्ट बताया है कि एलिमेंट जो होगा वह सेट के रूप में होगा, तो इसमें कोई सेट लेके चलते हैं। नाउ लेट कैपिटल एक्स बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए, और अभी जस्ट बताया है कि कैपिटल एक्स अगर पावर सेट ऑफ ए का सेट होगा तो कैपिटल एक्स किसका सबसेट होगा, ए का सबसेट होगा। यहाँ पे कैपिटल एक्स पावर सेट ऑफ ए में लेके चले तो कैपिटल एक्स किसका सबसेट होगा, ए का सबसेट होगा। उसके बाद यह कैपिटल एक्स जो ए का सबसेट होगा, अब यह ए जो है किसका सबसेट है बी का, तो जो एलिमेंट ए में लेके चलेंगे वह एलिमेंट किसमें चला जाएगा बी में। तो हम लोग क्या करते हैं कि ए सबसेट है बी, तो यहाँ पहला का यूज कर लेते हैं कैपिटल एक्स बिलोंग सबसेट, यहाँ पे ए सबसेट बी है तो ए के यहाँ पर हम लोग बी लिख सकते हैं यूजिंग फर्स्ट। अब देखिए कैपिटल एक्स जो है सबसेट है किसका बी का, तो यह कैपिटल एक्स किसका सेट होगा पावर सेट ऑफ बी में कंटेन करेगा। तो हमने क्या किया कि कैपिटल एक्स को पावर सेट ऑफ ए का प्रत्येक सेट मान लिया, मतलब पावर सेट ऑफ ए में जो भी सेट होगा उस सभी को कैपिटल एक्स मान लिया, उस सभी कैपिटल एक्स को पावर सेट ऑफ ए में लेके चले और सभी कैपिटल एक्स को पावर सेट ऑफ बी में दिखा दिया। तो हम यहां पे लिखेंगे दस बिगेट कैपिटल एक्स बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए में लेके चले थे और कैपिटल एक्स किस में आ गया पावर सेट ऑफ बी में, तो देयरफॉर पावर सेट ऑफ ए सबसेट पावर सेट ऑफ बी, हेंस प्रूफ। अब आइए हम लोग थ्योरम चार का तीसरा थ्योरम
चार का तीसरा, तो थ्योरम चार के तीसरा में है कि यदि ए और बी कोई भी दो सेट है तो उस दो सेट के इंटरसेक्शन का पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी के बराबर होता है। तो लिखेंगे इफ कैपिटल ए एंड कैपिटल बी आर एनी टू सेट्स देन प्रूव दैट पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी। अब आइए इसे हम लोग प्रूव करते हैं। तो याद होगा दो सेट ए भी एक प्रकार का सेट है, ए भी एक प्रकार का सेट है, लेकिन यहाँ ए इंटरसेक्शन बी का पावर सेट है। यहाँ राइट में ए सेट का पावर सेट है, बी सेट का पावर सेट है, उसका इंटरसेक्शन है। तो दोनों को हमें इक्वल प्रूव करना है। तो जब दो सेट आपस में इक्वल तभी होता है जब यह इसका सबसेट और यह इसका सबसेट। तो लिखेंगे लेट, मान लेते हैं पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी में जो भी सेट होगा इसके अंदर उस सभी सेट को कैपिटल एक्स मान लेते हैं। तो कैपिटल एक्स बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अभी जस्ट बता है कि कैपिटल एक्स पावर सेट ऑफ ए का सेट है, तो कैपिटल एक्स किसका सबसेट होगा, ए का सबसेट होगा। उसी प्रकार कैपिटल एक्स बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो कैपिटल एक्स किसका सबसेट होगा, ए इंटरसेक्शन बी का होगा। आप लोग को पहले ही बता चुके हैं कि कैपिटल एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, तो कैपिटल एक्स सॉरी स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू ए एंड स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू बी। उसी प्रकार यहाँ कैपिटल एक्स किसका सबसेट है, ए इंटरसेक्शन बी का है, तो कैपिटल एक्स सबसेट होगा ए का भी एंड कैपिटल एक्स सबसेट होगा बी का भी। अब देखिए कैपिटल एक्स सबसेट होगा ए का, तो कैपिटल एक्स किसका सेट होगा, पावर सेट ऑफ ए का। तो लिखेंगे कैपिटल एक्स बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए एंड कैपिटल एक्स बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ बी। अब यहां देखना है कैपिटल एक्स पावर सेट ऑफ ए का है एंड कैपिटल एक्स पावर सेट ऑफ बी का है, तो कैपिटल एक्स दोनों के इंटरसेक्शन का होगा। देखिए यहां पे एक्स ए का एंड एक्स बी का, तो एक्स दोनों के इंटरसेक्शन का। उसी प्रकार कैपिटल एक्स पावर सेट ऑफ ए का एंड कैपिटल एक्स पावर सेट ऑफ बी का, तो कैपिटल एक्स किसका एलिमेंट होगा, पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी का। मतलब हमने कैपिटल एक्स को पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी में लेके चला था, कैपिटल एक्स को इसमें दिखाया है, इसलिए 10 विगेट हमने यहाँ पे दिखाया कि कैपिटल एक्स को पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी में लेके चले हैं, कैपिटल एक्स इसमें चला गया पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी में। तो देयरफॉर अगर कैपिटल एक्स क्या है, कैपिटल एक्स पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के अंदर जो भी सेट है उस सभी को रिप्रेजेंट किया है कैपिटल एक्स से। मतलब पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के सभी एलिमेंट को कैपिटल एक्स मान लिए हैं और उस कैपिटल एक्स को पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी में दिखाया, इसलिए पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी सबसेट पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी, इसको आप मान लीजिए फर्स्ट। अब क्या करेंगे हम लोग फिर से इसमें, अब इसमें ए भी एक प्रकार का सेट है, इसमें भी जो भी पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी में जो भी सेट होगा सभी को वाई मान लेंगे और सभी वाई को इसमें दिखाएंगे तो यह इसका सबसेट होगा। तो आइए इधर मिटाते हैं। अब आइए अब इसमें ए भी एक प्रकार का सेट है, इसमें भी इस सेट का प्रत्येक एलिमेंट सेट के ही रूप में होगा और इसके अंदर जो भी सेट होगा उस सभी सेट को हम वाई मान लेते हैं। तो लिखेंगे अगेन लेट कैपिटल वाई बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी, पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी। अब जिस प्रकार से हम लोग जैसे एक्स ए इंटरसेक्शन बी का एलिमेंट होता था तो एक्स ए का एंड एक्स बी का लिखते थे, उसी प्रकार से हम लोग यहाँ
कैपिटल वाई बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए एंड कैपिटल वाई बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ बी। अब देखिए, अभी जस्ट आप लोग को बताया है कि कैपिटल वाई पावर सेट ऑफ ए का सेट है, तो कैपिटल वाई किसका सबसेट होगा? ए का। एंड कैपिटल वाई किसका सबसेट होगा? बी का। उसी प्रकार जैसे कैपिटल वाई ए का सबसेट है एंड कैपिटल वाई बी का सबसेट है, तो कैपिटल वाई किसका सबसेट होगा? ए इंटरसेक्शन बी का भी सबसेट होगा। और कैपिटल वाई सबसेट है ए इंटरसेक्शन बी का, तो कैपिटल वाई किसका सेट होगा? पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का। तो दस विगेट हमने क्या किया, कैपिटल वाई को इसमें लेके चला और कैपिटल वाई को इसमें दिखा दिया, तो कैपिटल वाई बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी, और कैपिटल वाई को हमने किसमें दिखा दिया? पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी में। तो इसको हम लोग मान लेंगे, देयरफॉर पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी सबसेट पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसको मान लीजिए सेकेंड, तो लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड विगेट, फर्स्ट एंड सेकेंड विगेट हमने फ्रॉम फर्स्ट से इसको इसका सबसेट दिखाया और इसको इसका सबसेट दिखाया, तो यह दोनों आपस में क्या हो जाएगा? बराबर। तो पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी, हेंस प्रूफ। तो अब आइए आप थ्योरम चार का चौथा बताएंगे, लिखेंगे प्रूव दैट पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी नॉट इक्वल टू पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी। तो इस रिजल्ट को हम लोग यहाँ पे एग्जांपल से प्रूव करेंगे, तो आइए इसे प्रूव करते हैं। प्रूफ, वी प्रूव इट बाय एन एग्जांपल। वी कंसीडर टू सेट्स, कैपिटल ए में एलिमेंट लेते हैं वन एंड बी सेट में एलिमेंट लेते हैं टू और थ्री। तो देयरफॉर ए यूनियन बी बराबर वन टू थ्री। तो वी हैव, हम लोग सबसे पहले इस दोनों सेट के यूनियन का पावर सेट निकालते हैं, तो लिखेंगे पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी, पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल सबसेट सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। तो हम लोग जानते हैं पहले से कि अगर ए सेट में एलिमेंट का संख्या तीन रहेगा तो सबसेट का संख्या 2k/3 होगा, टोटल नंबर ऑफ सबसेट 8 होगा। तो इसका टोटल सबसेट का संख्या 8 होगा, और 8 कौन कौन होगा, तो यहाँ पे हम लिखते हैं, बताया थे कि नल सेट प्रत्येक सेट का सबसेट होता है, तो 5 भी इसका एक सबसेट होगा। उसके बाद एक एक एलिमेंट का सेट इसका सबसेट होगा, और यहाँ दो दो एलिमेंट का भी सबसेट होगा, वन टू वन थ्री टू थ्री। और ये भी बताए थे कि प्रत्येक सेट अपने आप का क्या होता है, सबसेट होता है, तो वन टू थ्री भी इसका सबसेट होगा। तो टोटल सबसेट हो गया 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इसको हम लोग मान लेते हैं फर्स्ट। उसके बाद अगेन हम लोग सबसेट पावर सेट निकालते हैं ए सेट का, तो ए सेट में एलिमेंट का संख्या 1 है, तो सबसेट का संख्या 2k/1 2 होगा। एक हो गया नल सेट, प्रत्येक सेट का सबसेट होगा, एक एक एलिमेंट का ही सेट है, तो प्रत्येक सेट अपने आप का सबसेट होता है।
एंड पावर सेट ऑफ बी, तो सेट बी में नंबर ऑफ एलिमेंट जो है दो है, तो सबसेट का संख्या 2 के पावर 2 चार होगा, तो वह चार कौन कौन सबसेट होगा, तो एक 5 होगा, एक एक एलिमेंट का सेट भी इसका सबसेट होगा 2, 3, और प्रत्येक सेट अपने आप का सबसेट होगा। इसको मान लीजिए आप ऐसे ही रखते हैं इसको, अब दोनों का यूनियन कर लेते हैं, पावर सेट ऑफ ए एंड पावर सेट ऑफ बी का यूनियन करेंगे, पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी इज इक्वल टू, तो सबसे पहले पावर सेट ऑफ ए का सेट लिखेंगे 5, 1 एलिमेंट का सेट, तो 5 ऑलरेडी लिख चुके हैं तो दोबारा इसमें रिपीट नहीं करेंगे, 2 एलिमेंट का सेट, फिर 3 एलिमेंट का सेट और 2, 3 एलिमेंट का सेट, इसको मान लेते हैं हम लोग सेकेंड। तो देखेंगे फ्रॉम फर्स्ट से पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी में सेट का एलिमेंट का संख्या जो है 8 है, और यहाँ पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी में सेट के एलिमेंट का संख्या जो है 1, 2, 3, 4 है, तो लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी नॉट इक्वल टू पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी, ए प्रूव हो गया। नेक्स्ट थ्योरम जो है इसी का थ्योरम 4 का 5वां है, लिखेंगे थ्योरम 4 का 5, प्रूव दैट पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी सबसेट होता है पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी का, लेकिन पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी का सबसेट नहीं होता है, इसलिए यह दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो इसको जनरलाइज प्रूफ करेंगे, लिखेंगे प्रूफ लेट, मान लेते हैं कि ए भी एक प्रकार का सेट है और इस सेट के अंदर जो भी एलिमेंट होगा इसका एलिमेंट सेट के रूप में होगा उस सभी को कैपिटल एक्स मान लेते हैं, कैपिटल एक्स बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी, तो हम अब अलग अलग इसको करेंगे, लिखेंगे कैपिटल एक्स बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए और कैपिटल एक्स बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ बी। बताए थे कि कैपिटल एक्स पावर सेट ऑफ ए का सेट है, तो कैपिटल एक्स सबसेट होगा ए का, या कैपिटल एक्स पावर सेट ऑफ बी का सेट है तो कैपिटल एक्स सबसेट होगा बी का। अब देखिए बताया थे ए भी कि कैपिटल एक्स सबसेट होगा ए का या कैपिटल एक्स सबसेट होगा बी का, तो कैपिटल एक्स सबसेट होगा ए यूनियन बी का। फिर बताए थे कैपिटल एक्स सबसेट होगा ए यूनियन बी का, तो कैपिटल एक्स एलिमेंट सेट होगा पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी का। तो हमने यहाँ प्रूव किया दस बी गेट इस सेट में जो भी एलिमेंट होगा सभी को एक्स मान लिए और सभी एक्स को हमने इस सेट में दिखा दिया, तो यह जो है इसका सबसेट होगा। लिखेंगे पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी सबसेट पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी, हेंस प्रूव। तो इस लेक्चर के बाद नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे इस चैप्टर से रिलेटेड प्रॉब्लम, तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।